से परेशान, दोस्तों से परेशान, घर वालों से परेशान, सबसे परेशान, और यहाँ तक कि खुद से भी परेशान। बात हो रही है ओवरथिंकर्स के बारे में, जो सोचते ही चले जाते हैं, सोचते ही चले जाते हैं और वहां तक सोच लेते हैं जहां का कोई मतलब नहीं होता। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयदीप। आज बात करेंगे इसी के बारे में, ओवरथिंकिंग। बहुत कॉमन है, बहुत लोग करते हैं और इससे बहुत परेशान रहते हैं, ये जानते हुए भी कि खुद गलत कर रहे हैं। दोस्तों, थिंकर और ओवरथिंकर दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो नॉर्मली सब सोचते हैं भाई, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हो, किसी बात को लेकर डिस्कशंस भी होते हैं। फिर ओवरथिंकिंग का क्राइटेरिया क्या है? कैसे मान लें कि आप ज्यादा सोच रहे हैं? कुछ एग्जाम्पल से समझिए। एक नॉर्मल बच्चा होगा, अगर वो स्कूल जाता है, उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो वो नॉर्मल यही सोचेगा मैं अच्छा कैसे करूं, पढ़ूं, उसके दिमाग में यही सब चलेगी। और जो ओवरथिंकर बच्चा है, उसके दिमाग में क्या चलेगा? मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरे घर वाले हो सकता है मुझे घर से निकाल दें, फिर क्या होगा, फिर मैं खाऊंगा कैसे, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। मतलब वो उस चीज के वर्स्ट सिनेरियो तक पहुंच जाएगा और होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। वो सोचता चला जाएगा और वहां के उस लेवल पे पहुंच जाएगा जो मैक्सिमम हो सकता है। जैसे अगर किसी की आज जॉब में है कोई बंदा और वो ऑफिस गया और वहां बॉस ने कुछ कह दिया, तो वो उसको सोचते सोचते डायरेक्टली वहां तक पहुंचेगा कि मेरी जॉब चली जाएगी, मेरे फाइनेंसेस कैसे मेंटेन होंगे, मेरी ईएमआई कैसे भरी जाएगी, वो लास्ट तक चला जाएगा। ये होते हैं ओवरथिंकर्स। और थिंकर्स क्या होते हैं? बॉस से लड़ाई हुई, थोड़े देर मूड खराब रहा, इसके बाद ठीक हो गया, बात खत्म। या फिर जो नॉर्मल की रूटीन लाइफ है उसमें भी उसको दिक्कत होगी। जैसे आज शाम का है, कोई फीमेल है, उसने जबरदस्ती सोच लिया कि अगर कल सुबह मीट नहीं है तो क्या होगा, खाना कैसे बनेगा, बर्तन कैसे साफ होंगे, मतलब सोचती चली गई, जबकि मेड ने आने के लिए मना किया ही नहीं है, उसने छुट्टी ली ही नहीं है, वो तो आएगी, बट उसने क्या सोचा कि अगर नहीं आई तो क्या होगा, और नहीं आई तो फिर खाना कैसे बनेगा, ये क्या होगा वो, जबकि नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा, नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम मना लेंगे, सिंपल सी चीज है, बट वो ये नहीं सोचेंगे। जैसे किसी को ऑफिस जाना है, अगर कैब नहीं आई तो कैब वाले ने कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो कोई बात नहीं, कैब नॉर्मल आदमी क्या करेगा, कोई बात नहीं, ये कैब नहीं आएगी, दूसरी आ जाएगी। बट जो ओवरथिंकर है वो इस तरीके से नहीं सोचेगा। तो दोस्तों, ये सब करते करते होता क्या है, जो ओवरथिंकर बंदा होता है वो बहुत थका हुआ रहता है, उसका ब्रेन कभी भी रिलैक्स ही नहीं होता, हर समय सोचते 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 वो, उसको हर समय टायर्डनेस रहेगी, लेथार्जी रहेगी, वीकनेस रहेगी, उसको फिजिकल सिम्टम लगेंगे, जबकि फिजिकली वो थका नहीं है, वो कहीं भी रेस लगा के नहीं आया है, वो कहीं दौड़ के नहीं आया है, बट वो बैठे बैठे थक गया, क्यों, वो सोच सोच के थक गया, या उसके सर में दर्द होने लगेगा, या ब्रेन तो कंटिन्यूसली काम कर रहा है ना, तो सर में दर्द होने लगेगा, नींद नहीं आएगी, बिस्तर पे सोने गए 10 बजे, आप सोने गए रात के 2 बजे तक, सोचे चले जा रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है। दिस इज ओवरथिंकिंग, ये होती है ओवरथिंकिंग। को बिस्तर पे पड़े नींद आने से पहले कितनी बातें दोहराते हो अपने अंदर, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, खुद से हजारों सवाल करते हो और जवाब ढूंढने के लिए जागते रहते हो रात भर। दोस्तों, पहले तो इन सब चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं था, बट आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो आजकल सब कुछ बहुत क्लियर है। एक्चुअली ये सब होता क्या है, ये सब होता है केमिकल डिस्टर्बेंसेस से। इसमें सबसे कॉमन रीज़न जो केमिकल रोल प्ले करता है वो होता है आपका सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। बाकी और भी बहुत सारे हैं, जैसे गाबा है और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, बट मेन यही होते हैं। अगर आपका सीरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, उस सिचुएशन में आपको एंजाइटी हो जाती है। ओवरथिंकिंग को ही हम एंजाइटी कहते हैं, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये ओवरथिंकिंग का ही मेडिकल टर्म है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज का, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात से परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, एंजाइटी में क्या होता है, एंजाइटी किसको होगी किसको नहीं होगी, ये कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन तो आपकी जेनेटिक्स हो ही गई, अगर आपको पेरेंटल है या आपकी जीन्स में है तो आपको एंजाइटी हो जाएगी। दूसरा जो होता है वो होता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आप किस माहौल में बड़े हुए हो। यूजुअली क्या होता है, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट देते हैं
कि वो कुछ भी फेस करने के लिए तैयार नहीं होते, उनको वो कुछ भी फेस ही नहीं कर सकते। हर चीज उनको टाइम से पहले दे दी गई, उन्होंने कुछ भी कहा तुरंत पूरा कर दिया गया, कुछ भी किसी भी छोटी से छोटी मुश्किल से भी उनका सामना कभी हुआ ही नहीं। जो इस तरह की अपब्रिंगिंग्स होती हैं वो लेटर ऑन जाकर के जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में बच्चों को में यूजुअली हो जाता है। ये दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो मेडिसिन तो बहुत बात की बात है। मेडिसिन तो तब के लिए है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उस सिचुएशन में आपको मेडिसिन लेना है, अदरवाइज मेडिसिन की जरूरत होती नहीं है। जो नॉर्मली एंजाइटी होती है उसको हम वैसे ही ठीक कर सकते हैं। इसके देखिए सबसे पहले तो इसमें योगा हो गया, योगा या मेडिटेशन हो गया, वो इस बेसिकली आपको करना क्या है, आपको अपना माइंड रिलैक्स करना है, तो योगा और मेडिटेशन इसके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं अरे ध्यान करने से क्या मिलता है, ध्यान करने से दुनिया में वो चीजें मिलती हैं जो किसी मॉल में नहीं मिलती। समझदारी बढ़ाइए सर, किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं आप, और ये समझदारी जैसी जैसे बढ़ती जाएगी सर, आहा, ये ध्यान का गिफ्ट है सर। बहुत सारे संत हैं, बाबा जी हैं जो कथा करते हैं, आप उनको भी सुन सकते हो, वो भी माइंड रिलैक्स करते हैं। इफ यू लर्न टू सिंपली सेट यू विल बिकम ट्रेमेंडसली इंटेंस। व्हेन यू हैव सो मच मेंटल डायरिया हाउ कैन यू हैव एनर्जी। तो एंजाइटी को कंट्रोल करने के मेडिसिन के अलावा दो ट्रीटमेंट है, पहला शारीरिक ताकत बढ़ाइए, दूसरा मानसिक ताकत बढ़ाइए। शारीरिक ताकत कैसे बढ़ाएंगे, फिजिकल एक्सरसाइज, जिम जाइए, रनिंग पे जाइए, स्विमिंग पे जाइए, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करिए जिससे स्टैमिना बढ़े। आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, ब्रेन भी एक ऑर्गन ही है तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है जैसे आपकी मसल कर रही है और बाकी के बॉडी पार्ट्स कर रहे हैं। आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा। दूसरा ब्रेन को स्ट्रांग करिए पर्टिकुलरली, कैसे करेंगे उसको, करने का तरीका है योगा मेडिटेशन, इससे तो आप कर ही सकते हैं। दूसरा आध्यात्म की तरफ जाइए, बाबा जियों की बात सुनिए, मतलब सारे बाबा जियों को मैं ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ बाबा जी ऐसे हैं जो वाकई में बहुत अच्छा बोलते हैं। दोस्तों आजकल का माहौल ही हमारा ऐसा है कि जिसमें प्रेशर बहुत है, जितने कॉरपोरेट एम्प्लॉयज हैं, कॉरपोरेट एम्प्लॉय क्या जितने सारे ही एम्प्लॉयज हैं या सभी लोगों के ऊपर वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है कि थोड़ा बहुत एंजाइटी होना कॉमन है। कॉरपोरेट्स में तो यहाँ तक कि सुट्टा ब्रेक भी मिलता है, उनको सिगरेट पीने के लिए पर्टिकुलर टाइम मिलता है कि आप इस टाइम में जाकर के सिगरेट पी करके रिलैक्स होकर फिर वापस आ जाओ, फिर से काम करो। तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, बुरा हाल है दिमाग के ऊपर। कोई भी एक या दो या तीन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज शुरू करिए जिसमें आपका मन लगता हो, उसके लिए टाइम निकालिए। बेसिकली अपने ऊपर इन टाइम इन्वेस्ट करिए। आपको मूवी देखना पसंद है, हफ्ते में एक मूवी जरूर देखिए। आपको खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना है, वीकेंड्स पे खेलिए। मतलब कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करिए ही करिए। 7x24 काम नहीं करना है। Hello? Hey, I can't come into work today. Is everything okay? I can't see. You can't see? Something wrong with your vision? No, I can't see myself working today. Bye. ठीक है, काम इम्पोर्टेंट है, बट काम से ज्यादा हम खुद इम्पोर्टेंट हैं। हम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें अपने लिए इन्वेस्ट करना है, हमें अपने लिए टाइम निकालना है। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके बहस में मत पड़िए, किसी से भी बहस में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी टॉपिक पे कोशिश करिए जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम इग्नोर करेंगे उतना बेटर है। इन सब चीज़ों में एनर्जी जाती है, और एनर्जी आपकी जाएगी आपका ब्रेन इधर उधर जबरदस्ती का लगा रहेगा। तो ट्राई टू अवॉइड ईच एंड एवरी क्वेरल्स फाइट्स जितनी हैं वो सब अवॉइड करिए। देखिए ये सब चीज़ें तो हो गई, वो चीज़ें जो एक मतलब आप वैसे कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। Although इट्स नॉट ईजी, बोलना मेरे लिए ईजी है बट इसको पर्सनल लाइफ में लाना इतना आसान नहीं है। सबकी एक नेचर होती है, अगर आप किसी भी चीज़ से बात नहीं बन रही है, आप हर समय इरीटेटेड रहते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं, दिमाग बिल्कुल शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, तो फिर इसके लिए आप मेडिसिन में चले जाइए, आप साइकेट्रिस्ट से बात कर लीजिए। मेडिसिन इसमें हम दो तरह की यूज़ करते हैं, एक शॉर्ट टर्म मेडिसिन होती हैं, आपको लेते ही रिलैक्सेशन आ जाता है, बट वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है, उसको हम बहुत ज़्यादा लंबा देते भी नहीं है, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए देते हैं, और जैसे बेंजोडाइजेपिन्स हो गई। दूसरा जो मेडिसिन होती हैं वो हम 1 साल से 2 साल के लिए देते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ देती हैं और वो आपके ब्रेन को स्टेबलाइज कर देती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एंजाइटी को या अपनी ओवर थिंकिंग को या इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो।
दोस्तों एक मूवी आई थी डियर जिंदगी, अगर आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिएगा। उसमें शाहरुख खान के जो लेसन्स हैं जो उसने आलिया भट्ट को दिए हैं वो इसी चीज के ऊपर है, एंजाइटी डिप्रेशन के ऊपर। एंड शाहरुख खान ने उसमें एक साइकेट्रिस्ट का रोल भी प्ले किया है। दैट इज अ वंडरफुल मूवी और बहुत अच्छी मूवी है, बहुत एक्चुअल फैक्ट्स पे बेस्ड मूवी है, जो समझाया है जिस तरीके से उसने आलिया भट्ट को, आपको लगेगा कि ये तो शायद आपकी ही लाइफ सामने रील पे प्ले हो रही है। तो एक बार उस मूवी को जरूर देखिएगा। जब हम अपने आप को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो दूसरे क्या सोचते हैं, इट डजंट मैटर, नॉट एट ऑल। अगर हम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में नहीं लेंगे तो कोई दूसरा ड्राइवर सीट पर बैठ जाएगा। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यूट्यूब चैनल के ऊपर लिखी हुई है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे।